हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के एडिटिंग में हम लोग कुछ स्टेप से ब्लू एंड येलो टोन में फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना, एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड करेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी से आ गया हूँ, यहाँ से कोई भी एक फोटो लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फोटो लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम ऐड हो चुकी, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर हमारी फोटो इस पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट पे जाएंगे हम क्लियर टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर की वैल्यू को करेंगे हम -6, एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, टिंट की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +5, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, वाइब्रेंस की वैल्यू को करेंगे हम +20, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम सेकंड वाले ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं -12, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू करते हैं +34, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे हम +20, एंड यहाँ से सैचुरेशन की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो सैचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +37, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो में येलो हो रही है वो थोड़ा हाईलाइट लगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को कर देंगे हम +25, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम +100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +21, एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे, एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को करेंगे हम -50, एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम +100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को करेंगे हम -21, एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को करेंगे हम -25, एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम +100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को यहाँ से कर देंगे हम -18, एंड नेक्स्ट जाते हैं पिंक कलर पे, क्योंकि हमारे जो मॉडल का क्लोथ है वो पिंक कलर है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी क्लोथ का कलर है वो थोड़ा और कलरफुल लगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +65, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे, ताकि जो हमारी कपड़ा का लाइटिंग है वो थोड़ा कम लगे और यूनिक लगे, ठीक है। तो इसे रखते हैं -11, एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्लैरिटी की वैल्यू को कर देंगे हम -5, एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, डीएच की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +8, एंड यहाँ से विनर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं करेंगे है, क्योंकि हमारी जो येलो कलर है वो लाइटिंग ही सही लगती है। तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम -16, एंड यहाँ से मिड पॉइंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, मिड पॉइंट की वैल्यू को अपने फोटो के सब्जेक्ट के हिसाब से करनी है, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू को कर दूंगा +40, एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो फेदर की वैल्यू को कर देते हैं यहाँ से
प्लस 65। अब हमारी फोटो को हम साइनिंग एंड स्मूथ करेंगे, तो उसके ले जाएंगे हम डिटेल का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो की साइनिंग है वो थोड़ा और ज़्यादा लगे, तो इसे रखते हैं 24 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे ताकि जो हमारी फोटो है और फटे नहीं, स्मूथ रहे। तो फ्रेंड्स इसे रखते हैं 21 एंड यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर है कलर नॉइस रिडक्शन एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ रहे। तो फ्रेंड्स हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। तो गाइस अगर ये एडिटिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड एक्सेप्ट डिवाइस पर क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।